तो दोस्तों ऋतिक रोशन सर की फाइटर फिल्म को रिलीज हुए आज पूरे 12 दिन हो चुके हैं और इसका ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहली बार मेकर्स की तरफ से आ चुका है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फाइटर फिल्म ने 12 दिन में पूरे दुनिया भर से कितने करोड़ रुपए की कमाई की, पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी छोटी सी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी अभी देखा है कि आप में से 99% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरह का अपडेट हमेशा आप सभी लोगों के लिए लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि फाइटर फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपया है और ये फिल्म अपने पहले दिन सिर्फ इंडिया से 22 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की है, तो वही दूसरे दिन 39 करोड़ 50 लाख रुपए की, तो वही तीसरे दिन 27 करोड़ 50 लाख रुपए की, तो वही चौथे दिन 29 करोड़ रुपए की। पर दोस्तों इस फिल्म की पांचवें दिन के कलेक्शन में बहुत ही तेजी से गिरावट देखने को मिली और ये फिल्म अपने पांचवें दिन सिर्फ 8 करोड़ रुपए की ही कमाई की और फिर इसके बाद इस फिल्म के कलेक्शन में दिन पर दिन गिरावट ही देखने को मिली। पर दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन में 10वें दिन फिर से उछाल देखने को मिली और ये फिल्म अपने 10वें दिन 11 करोड़ रुपए की कमाई की और इस तरह से फाइटर फिल्म ने 10 दिन में सिर्फ इंडिया से 202 करोड़ रुपए की कमाई की, तो वही पूरे दुनिया भर से 283 करोड़ रुपए की, जिसके बारे में फाइटर फिल्म के मेकर्स की तरफ से एक पोस्टर शेयर करके बताया गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन में 11वें दिन और भी ज्यादा उछाल देखने को मिली और ये फिल्म अपने 11वें दिन 14 करोड़ रुपए की कमाई की और इस तरह से फाइटर फिल्म ने 11 दिन में पूरे दुनिया भर से 313 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और ये फिल्म आज अपने 12वें दिन भी दुनिया भर से 17 से 18 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। तो इस तरह से फाइटर फिल्म का 12 दिन का टोटल कलेक्शन 330 करोड़ रुपया हो जाएगा और इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपया है, तो इसलिए दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट होने ही वाली है। पर दोस्तों अगर आपने फाइटर फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।